हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल सेविंग स्टाइल्स। आज हम एक डिज़ाइनर स्लीव सीखेंगे इस वीडियो में। मैंने यहाँ पे स्लीव्स पहले से कट करके रखे हैं। ये मैंने कुर्ती के स्लीव्स है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पे फुल कमीज की वीडियो मिलेगी आपको। आपको यहाँ पे ऐसे फैब्रिक ले लेना है। मैंने चार ऐसे फैब्रिक लिए हैं जो 2 इंच की चौड़ाई तक आपको लेना है, 2 या 2.5 इंच की। और इसकी लेंथ आपको कम से कम आपको 30 इंच ले लेना है। अपने हिसाब से आप ले सकते हो। अब यहाँ पे स्लीव को फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करके मिडिल पार्ट आप नॉच कर लीजिए बॉटम में, एंड अप साइड दोनों साइड में नॉच कर रही हूँ ताकि मुझे पता चले कि सेंटर वही है। अब ऐसा करने के बाद मैं यहाँ पे मिडिल में बॉटम की तरफ कट कर लूँगी, जहाँ पर मुझे डिज़ाइन बनाना है। तो मैं लगभग 4 इंच के करीब मैं कट करने वाली हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो। कट करने के बाद मैं थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे ट्रिम कर रही हूँ ताकि मुझे थोड़ा ट्रायंगल का शेप मिले। अभी यहाँ पे ये कट करके हो गया है। अभी हम थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, उसको हम 3 इंच चौड़ाई और 5 इंच लंबाई में लेंगे। उसको कट कर लेंगे ताकि उस ट्रायंगल के ऊपर रख के हम उसको स्टिच कर सकें और उसको अंदर की तरफ पलट दें। तो ऐसे आप कट कर लीजिए जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। इस फैब्रिक पे कैसे प्लेस करके आपको स्टिच कर लेना है। आप स्टिच कर लीजिए, दोनों राइट साइड एक ही तरफ रख के आपको स्टिच करना है। यहाँ पे स्टिच करके हो गया है। अब हमको यहाँ पे फैब्रिक ट्रिम करना है, जैसे कि मैं इस वीडियो में कर रही हूँ, आपको इसी तरह करना है। ऐसे आप कर लीजिए। आप मैंने फैब्रिक कट कर दिया है, इसको आप अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देना है, पलट देना है। मैंने पलट दिया है। अब उसके ऊपर हम फिक्स करने के लिए एक स्टिच हमको लगा लेना है, जैसे यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जैसे वीडियो में बता रही हूँ, वो फैब्रिक को आपको ऐसे फोल्ड करके बाद में इसके ऊपर आपको हेमिंग कर लेना है। या तो आप उसके ऊपर स्टिचिंग भी दे सकते हो या तो आप हेमिंग कर सकते हो। अभी नेक्स्ट हम लेंगे ऐसे टोटल 4 पीसेस, क्योंकि हम एक स्लीव को 2 ऐसे पीसेस लगेंगे और एक स्लीव को 2 पीसेस, तो टोटल 4 पीसेस ले लेते हैं जो 2 इंच की चौड़ाई में है और लंबाई इसकी लेंथ आप कम से कम आप 30 इंच तक रख सकते हो। अभी यहाँ पे क्या करना है, फैब्रिक को आपको लेफ़्ट साइड रखना है, रॉन्ग साइड, जैसे कि मैं यहाँ पे वीडियो में रख रही हूँ। आपको रॉन्ग साइड ऐसे रखना है। रॉन्ग साइड रखने के बाद जो हमने पट्टी ली थी 2 इंच चौड़ाई वाली, उसको आप ऐसे रख के प्लेस करके फिर वापस पलट के आपको ऐसे स्टिच करना है।
अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए मैं क्या कर रही हूँ। फैब्रिक अगर रॉन्ग साइड होता है तो पट्टी भी आपको ऐसे रॉन्ग साइड रख के स्टिच करना पड़ता है। तो पलट देंगे तो दोनों राइट साइड एक साइड आएंगे। रॉन्ग साइड पट्टी भी रख लीजिए, रॉन्ग साइड स्लीव रखिए। ऐसा रख के प्लेस करके आपको ऐसे स्टिच कर देना है। ये हो गया एक साइड बनकर, दूसरी साइड भी आपको इसी करना है। अभी हम दूसरी साइड कर लेंगे सेम उसी टाइप। ये हो गया मेरा दोनों साइड स्टिच करके, अभी देख सकते हो यहाँ पे अभी हम वो बना डालेंगे। वो बनने के बाद वो ऐसे दिखता है और इसी टाइप से हम दूसरी तरफ का भी स्लीव बना लेते हैं। ये रहा इसका फाइनल लुक। कुछ
कुछ इस तरह दिखता है। आप ये कुर्ती में ऐसे स्लीव डिज़ाइन करके आप कुर्ती को डिज़ाइनर लुक दे सकते हो। और भी ऐसे स्लीव्स हम सीखते रहेंगे, आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।